हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ इस चैनल पे। मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में मैं डिस्कस करके आपसे कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इन चीज़ों में। तो आज मैंने एक टॉपिक चुना था कि आप फोटोग्राफी में, जब कोई कहता है आपसे कि आप मेरे लिए थोड़ा फ्री फोटोग्राफी कर दो, या आप मेरे दोस्त हो, रिलेटिव हो, आप मेरे लिए फ़ोटोग्राफी कर लो कुछ थोड़ा फ्री में, तो लोग ये नहीं समझते कि आपने भी फ़ोटोग्राफी में इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें आपका भी खर्चा, और ये आपका बिज़नेस है, आपकी जॉब है जिसमें से आपको इनकम आता है। तो ये लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि बस कैमरा आपने ख़रीद लिया है तो आप जितनी चाहिए उतनी फ्री फ़ोटोग्राफी किसी से भी करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से नहीं है। तो इसको समझाने का एक अच्छे से तरीका होता है, जो मैं आपको एक थोड़े से ट्रिक्स बताऊँगा इसमें, जो आप यूज़ करके आपका काम निकलवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एग्जांपल दूंगा एक फ्री फोटोग्राफी का कैसे होता है। आप जब भी होटल में कभी जाते हैं, आपने काफ़ी सारे होटल्स में देखा होगा कि आपको बाहर टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा खाना दिया जाता है। तो जब भी आप वो खाना लेते हैं तो आपको खाने का टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप जाके पूरी की पूरी डिश ऑर्डर करते हैं वहाँ से। तो सेम तरह की टेक्निक्स आपको फोटोग्राफी में भी यूज़ करनी है। पहली चीज़ है आपको मैं बताऊँगा इसमें, आप कोई भी इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज़ या कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, आप कैमरा कर लेके जाइए, आपके विजिटिंग कार्ड्स लेके जाइए, और इसमें इवेंट्स की आप कितने सारे क्लाइंट्स को वहाँ पे मिल सकते हैं और उनकी आप फ़ोटोज़ खींचिए वहाँ पे। आप देखिए, वहाँ पे टारगेट कीजिए अच्छे अच्छे क्लाइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, आपको उनके फ़ोटोज़ लेने हैं। फ़ोटोज़ के लिए कोई भी मना नहीं करता इवेंट्स में। आप देखेंगे कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आएगा कैमरा देखे कि प्लीज़ भाई मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरे एक दो फ़ोटोज़ ले लो। तो आप इसमें थोड़ा बेझिझक फ़ोटोज़ लीजिए उनके, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए और उनको कहिए कि आपको अगर आपकी फ़ोटोज़ चाहिए तो आपको ईमेल करें वो आपके कार्ड पे। और जो आप कार्ड रहता है, आपके कार्ड पे आपका सोशल मीडिया रहता है, आपका फेसबुक रहता है, आपका यूट्यूब रहता है, तो इसी बहाने से आपकी बेसिक मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अभी आप जब भी फ़ोटोग्राफ खींचेंगे तो आप एक दो फ़ोटो तो खींचेंगे नहीं, हर एक बंदे के आप मिनिमम 5 से 10 फ़ोटोज़ खींचेंगे। तो जब भी वो आपको ईमेल करता है, उसको कभी भी सारी के सारे फ़ोटोज़ मत भेजिए। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, आपको नेक्स्ट टाइम वो वापस फ्री फोटोग्राफी के लिए अप्रोच करेगा। उसको सिर्फ आप 1 से 2 फ़ोटोज़ जो उनकी अच्छी लगती है आपको, वो आप उनको शेयर कीजिए। इट्स लाइक अ टीज़र, आप पूरा का पूरा काम किसी को दीजिए मत अपना, टीज़र की तरह आप 1 से 2 फ़ोटोज़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी वैल्यू भी करेगा, और अगले टाइम जब उसके पास कोई काम आ जाएगा, पेड वर्क आएगा, तो आपको अप्रोच करेगा ईमेल से। वो समझेगा कि आप प्रोफेशनल हो, आप कोई फ्री में काम करने वाले बंदे नहीं हो। तो इसके थ्रू आपसे नेक्स्ट टाइम प्रोफेशनली अप्रोच करेगा, पूछेगा आपका कितना रेट्स हैं आपके, आप कितना पैसे में आप काम करते हो। तो इस तरह से आप आपका ये सोर्स से आप फर्स्ट तरीके से बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपको आपका सोशल मीडिया जो है आपका, जैसे कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपको प्रमोट करना है। तो इसको प्रमोट करने के लिए आपके पास होता है, आप मॉडल्स को अप्रोच कर सकते हैं, अच्छे कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं जिनको कोलैबोरेशन करना होता है। टेक्निकली मैं कहूँगा कंपनीज़ को ज़्यादा एंटरटेन ना करें, क्योंकि इसमें से क्या है कि कंपनीज अपना प्रॉफिट बनाती है। अब आप मॉडल्स को जो अप्रोच करते हैं, मॉडल्स इसमें से इस पोर्टफोलियो को इतना यूज़ नहीं कर पाते, वो भी अपना सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप जब भी किसी मॉडल को अप्रोच करते हैं, आप इंस्टा पे उनको अप्रोच कर सकते हैं, फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं कि आप मेरे साथ कोलैब कीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ दूंगा इसमें से। तो कोलैबोरेशन के रूल्स ये रखिए कि आप जब भी मॉडलिंग के लिए किसी को भी अप्रोच करते हैं कोलैबोरेशन के लिए, तो आपका थंब रूल रहेगा कि आपके जो भी आप फ़ोटोज़ खींचेंगे उस पर आपका वाटरमार्क रहेगा विथ वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप मोबाइल नंबर उस पर ऐड कीजिए आपके वाटरमार्क के नीचे, और मोबाइल नंबर के अलावा आप ईमेल आईडी भी आप उस पर डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपके मॉडलिंग का जो कोलैबोरेशन ख़त्म होता है, उसके बाद जो भी आप फ़ोटोज़ बनाते हैं, ये फ़ोटोज़ आप एडिट करके जब भी आप मॉडल को आप ईमेल करेंगे और वो अपने सोशल मीडिया पर डालेगी, तो इसमें क्या होगा कि जो फेमस मॉडल होगी उसके थ्रू आपका नाम भी उसमें आगे बढ़ेगा और आपका भी इसमें नाम बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लोग आपकी तरफ थोड़े डाइवर्ट होंगे, प्लस यही फ़ोटोज़ जो आप खींचेंगे ये आप अपने सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब भी आपके सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं तो आपके तरफ ऑटोमेटिकली डिजिटल ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, तो इसमें से भी आपका बिज़नेस प्रमोट हो सकता है।
जैसे मैंने कहा ब्रांड्स ब्रांड के साथ कोलैब करना थोड़ा अवॉइड कीजिए अनलेस इट्स अ वेरी बिग ब्रांड। छोटे छोटे ब्रांड्स क्या करते हैं कि फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं, फ्री में काम करवाएंगे आपको। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो स्टूडियो का सारा पैसा देंगे, मेकअप आर्टिस्ट को सारा पैसा देंगे, मॉडल्स को सारा पैसा देंगे, मगर जब फोटोग्राफर आता है उनको फ्री में काम करवाना होता है और उनको बोलेंगे सिर्फ हम क्रेडिट्स देंगे। इससे भाई फोटोग्राफर का कुछ भला नहीं होता, वो इतने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। तो फ्री कोलैबोरेशन के चक्कर में ब्रांड्स के साथ मत पड़िए, इसमें आपका घाटा है, आपका टाइम वेस्ट है। बहुत सारा काम करवाएंगे आपसे और इनमें आपको जो क्रेडिट्स भी देंगे वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि वो उनके लिए बकरे फंसाना हमेशा का काम रहता ही है। अभी तीसरा है इसमें, अगर आपके पास बड़ी बड़ी मॉडल्स नहीं आ रही हैं, आपके कोलैबोरेशन आपका नया नया काम है, तो आपके फ्रेंड्स में देखिए। आपके पास एक आप एक आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर एक आर्टिस्ट ही होता है, तो आपके दोस्त में देखिए कौन अच्छा दिखता है, कौन अच्छी दिखती है, उनको आप अप्रोच कीजिए और उनको बोलिए कि भाई आप मेरे साथ कोलैबोरेशन में फ़ोटोशूट कीजिए, मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा, या आप उनको पहले बता के रखेंगे। काफ़ी सारी लड़कियाँ होती है जो मॉडलिंग में एक्सपीरियंस नहीं होती है, वो काम तो करवा लेंगी, फ़ोटोज़ भी ले लेंगी, फिर कहेंगी मेरी फ़ोटोज़ कहीं पर डालिए नहीं। तो ये चीज़ें आप पहले से क्लियर रखिए कि आपकी फ़ोटोज़ मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा अपने खुद के मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, प्लस आपको मैं आपके फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा। तो इनके थ्रू भी आपका सोशल मीडिया जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊँगा टेस्ट शूट के बारे में, कभी भी आप टेस्ट शूट जो करते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें टेस्ट शूट क्या होता है। अभी काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो बोलती है कि हमारे पास बहुत सारा काम पीरियोडिकली आते रहता है, हमारे पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट का काम नहीं आएगा, तो आप हमारे लिए थोड़ा टेस्ट शूट कीजिए। तो जब भी आप टेस्ट शूट करते हैं इसमें मैक्सिमम 15 इमेजेस से ज़्यादा किसी को दीजिए नहीं, और देंगे भी तो आप उसका रेजोल्यूशन इतना कम रखिए कि वो इमेजेस वो कहीं पर भी कमर्शियली यूज़ ना कर सके, उसका फ़ायदा ना उठा सके, वो सिर्फ और सिर्फ आपका काम देखने के लिए काम आ सकती है। और हर इमेज जो भी आप किसी ब्रांड को देते हैं या किसी भी कंपनीज को देते हैं फॉर टेस्ट शूट, उस पर आपका वाटरमार्क हमेशा रखिए। वाटरमार्क के बिना इमेजेस किसी को नहीं दीजिए, वो हमेशा मिसयूज़ हो जाएंगी, या तो फिर वो कमर्शियल यूज़ करके ख़त्म कर लेंगे और फिर आपको बुलाना है ना नहीं बुलाना है वो तो फिर अलग ही हो जाता है। तो किसी को भी आपका फ़ायदा मत उठाने दीजिए इस चीज़ों में। किसी भी कंपनीज के लिए आप टेस्ट शूट करते हैं तो वो टेस्ट शूट में आपका वाटरमार्क कंपलसरी रखिए, वाटरमार्क के ऊपर आपका वो नॉर्मली आपको ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर और ये सब डालने के लिए मना करेंगे, तो एटलीस्ट आपका वाटरमार्क तो भी रखिए और प्लस लो रेजोल्यूशन रखिए, ताकि वो कोई कहीं पे कमर्शियली यूज़ ना हो सके टेस्ट शूट के नाम पे। आपको सिर्फ आपका काम दिखाना तो आप लो रेजोल्यूशन पे उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप जिनके साथ भी आप काम करते हैं ये भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। आप जैसे कि प्री वेडिंग कर रहे हैं या मैटरनिटी शूट कर रहे हैं या किसी का शादी का शूट कर रहे हैं, तो वो जो भी आप इमेजेस क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, इमीडिएटली कभी मत कीजिएगा ये चीज़। हमेशा याद रखिए आप किसी का भी जो इवेंट करते हैं उनको हमेशा थोड़े महीनों के बाद अप्रोच कीजिए और उनको अप्रोच करके बोले कि भाई साहब मैं आपकी फ़ोटोज़ जो है अपने सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। कोई भी क्लाइंट 90% क्लाइंट्स मना नहीं करते हैं, उनको बोलिए मैं सिलेक्टेड इमेजेस अपने सिर्फ वेबसाइट पर डालूंगा या अपने फेसबुक डालूंगा, कभी मत बोलिए कि मैं प्रमोशन के लिए डाल रहा हूँ, सिर्फ इतना बोलिए कि अपने सोशल मीडिया पर डालना चाहता हूँ आपका काम, आपने जो मैंने जो आपकी फ़ोटोज़ ली है। तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कभी मना नहीं करते, तो इससे भी क्या होगा कि आप ये भी काम थोड़ा प्रमोट करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स फ्री फोटोग्राफी के बारे में, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं फ्री फोटोग्राफी में। आई थिंक मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, थोड़े बिजनेस टेक्निक्स ही आपको बताऊँगा इसमें कि आप बिजनेस करेंगे तो आप किस तरह से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। स्टिल देन स्टे ट्यून टू माई चैनल। बाकी आप मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे और मैंने जो भी मेरे कॉन्टैक्ट आईडीज़ दी हुई है उस पर, तो मैं डेफिनेटली जितना हो सकता है उतना लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे ही आपके दिल तो दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रहेगा बेझिझक मुझे आप पूछ सकते हैं। फ्रैंकली मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सर, तो प्लीज़ दोस्तों जॉब और इसके लिए रिलेटेड जो है अप्रोच ना करें तो वही अच्छा रहेगा। मुझे भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि ताकि मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाता इसके बारे में। फ़िलहाल मेरे पास जो नॉलेज है मैं वही शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ ताकि किसी का इसमें से भला हो जाए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, फॉलो योर पैशन, लिव योर लाइफ, बाय।